हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कॉमर्स डॉट कॉम माई सेल्फ सौरभ टूडे आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो जिससे नेट कॉमर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ट्वेल्ल इससे प्रीवियस पार्ट्स का लिंक जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ जा कर के आप उसे चेक कर सकते हो सो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज ई पी जेट स्टैंड फोर ऑप्शन आर द गिवन फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेकेंड एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग जोन थर्ड एक्सटर्नल प्रमोशन जोन एंड फोर्थ इज अन ऑफ दिज सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेकेंड ग्लोबलाइजेशन ऑप्शंस आर द गिवन फर्स्ट अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड सेकेंड लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड सी लेस फॉरन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एंड डी इज अ ग्लोबल वार्मिंग सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द पर्पस ऑफ बिजनेस वाज टू मेक प्रॉफिट आर द गिवन फर्स्ट मिल्टन फ्राइडमैन सेकेंड इज अ एलाइन स्टेमबर्गन सी जॉन क्रेन डी मर्गेरा थेकर सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट मिल्टन फ्राइडमैन ए नेक्स्ट इज स्क्रिटनी ऑफ आ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ऑप्शन आर द गि फर्स्ट बजटिंग सेकेंड प्रोग्रामिंग थर्ड अकाउंटिंग एंड फोर्थ इज़ आ ऑडिटिंग सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑडिटिंग जिसके अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का है वो स्क्रिटनी उसके अंदर किया जाता है ऑडिटिंग के अंदर फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट पी ओ एस डी सी ओ आर बी इज रिलेटेड टू ऑप्शन आर द गिवन फर्स्ट इज़ अ लाइब्रेरी कैटा लॉगिंग बी लाइब्रेरी रेफरेंस सर्विसेज सी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी इज़ अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पी ओ एस डी सी ओ आर भी जो है एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही पार्ट है जो कि डिस्क्राइब किया था जिसको लूथर गुलिक ने क्लासीफाई किया था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ओ एस डी ओ आर बी के अंदर तो ये किससे रिलेटेड है ये आएगा आपका लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑन ऑप्शंस एसेट इज गिवन फर्स्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम सेकंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थर्ड ऑपरेटिंग इनकम एंड फोर्थ इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सो so, जो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पर लगाया जाता है वो पार्ट है किसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सो so, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द कोस्ट शीट कोस्ट शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इनमें से किस चीज को कंसीडर नहीं किया जाता वो आपको बताना है ऑप्शन गिवन है फर्स्ट इज द फैक्ट्री कॉस्ट सेकेंड गुडविल रिटर्न ऑफ थर्ड लेबर कॉस्ट एंड फोर्थ इज द सेलिंग कॉस्ट सो कॉस्ट शीट के अंदर हम कंसिडर इनमें से नहीं करेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ को बाकी सभी जो फैक्ट्री कॉस्ट है लेबर कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट है वो हम कॉस्ट शीट के अंदर जब प्रिपेयर करते हैं तो ये सभी आइटम्स को इसके अंदर रखते हैं एक्सेप्ट गुडविल रिटर्न ऑफ सो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा नेक्स्ट इज Which of the following is correct description of the break even point Options are the given A where total revenue equals total variable cost B where total revenue equals total contribution C where total revenue equals total fixed cost and D is a, where total revenue equals to total fixed and variable cost So, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन आपका डी तो जब ब्रेक इवन पॉइंट होता है तो इसमें टोटल रिवेन्यू जो है वो इक्वल होता है टोटल फिक्स्ड कोस्ट प्लस वेरिएबल कोस्ट के तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन इज काईस्वेर इज टेस्टेड बाय ऑप्शंस आर द गिवन बोर्डिंगटन सेकंड सी एच मेयर्स सी प्रोफेसर काईस्कर एंड अ डी इज अ कार्ल पियर्जन सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन डी कार्ल पियर्जन नेक्स्ट इज द डेंसिटी ऑफ अ फंक्शन इज अ मेजर ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोबिलिटी विद इन ऑप्शन आर द गिवन फर्स्ट लिमिट सेकेंड इंटरवेल थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ फोर्थ इज अ प्रोबाबिलिटी थ्योरी सो so, जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी इंटरवल, बी विल बी द करेक्ट इंटरवल, सो ये सभी क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए थे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए थैंक यू